नमस्कार मित्रों, ज्ञानशाला एकेडमी में आप सबका स्वागत है। अब तक हम लोग पुर्तगाली और डचों का पतन समझ आए हैं और देख आए हैं कि किस प्रकार से एक समय में महत्वपूर्ण शक्तियां होने के बाद भी वो भारत में पिछड़ती चली गईं और अंत में भारत में दो ही प्रमुख यूरोपीय शक्तियां बचीं, अंग्रेज और फ्रांसीसी, और अंततः इन्हीं के बीच में वर्चस्व की लड़ाई हुई, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में तीन युद्ध हुए, जिन्हें पहला, दूसरा तथा तीसरा कर्नाटक युद्ध भी बोलते हैं। पहला जो कर्नाटक युद्ध हुआ है वो 1746 से 48 के बीच में हुआ है, दूसरा 49 से 54 के बीच में और तीसरा 58 से 63। अगर कालक्रम की बात करें तो पहला कहीं कहीं 1740 से भी दिया होता है, कहीं कहीं 1744 से भी दिया होता है। रीजन ये होता है कि पीछे वो गतिविधियां, जो युद्ध से पहले का जो बैकग्राउंड था वो काफी पहले से ही बनने लगा था, इसलिए इतनी लंबी ड्यूरेशन कहीं कहीं दी होती है। अब पहले ये देख लेते हैं कि कर्नाटक का ये क्षेत्र था कहां। इसे आज वाला कर्नाटक मत समझ लीजिएगा, कर्नाटक की स्पेलिंग के से शुरू होती है, जबकि ये जो है ये कर्नाटक है वस्तुतः, जिसकी स्पेलिंग सी से शुरू होती है। तो ये आज का कर्नाटक नहीं, बल्कि अगर प्रिसाइसली बोलें तो ये आज का ये जो कोरोमंडल तट है उसके आसपास के इलाके को कर्नाटक बोला जाता था। और ये जो तीनों कर्नाटक वॉर हुए ये इसी क्षेत्र में हुए। उसका रीजन ये था क्योंकि जो अंग्रेज और फ्रांसीसी थे उनके जो महत्वपूर्ण सेटलमेंट्स थे वो इन्हीं क्षेत्रों में थे। जहां हम अगर अंग्रेजों की बात करें या फिर हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो इनका जो केंद्र था वो मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज था, वहीं दूसरा उससे कुछ दूरी पर, लगभग उससे 100 किलोमीटर और दक्षिण में जाकर एक जगह थी कुडलूर, जहां पे फोर्ट सेंट डेविड। ये दो महत्वपूर्ण सेटलमेंट थे किसके, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। वहीं अगर हम फ्रेंच पोर्ट या सेटलमेंट की बात करें तो एक महत्वपूर्ण सेटलमेंट था वहां पुडुचेरी, और उसी के पास एक अन्य सेटलमेंट कराईकल था। यानी कि अंग्रेजों के दो प्रमुख सेटलमेंट और फ्रांसीसियों के भी दो प्रमुख सेटलमेंट इसी इलाके में पड़ते थे। अब समझ लेते हैं कि आखिर पहला कर्नाटक युद्ध होता ही क्यों है या फिर इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। अगर हम इसकी पृष्ठभूमि में जाएं तो देखेंगे कि यूरोप और ऑस्ट्रिया में 1740 के आसपास से उत्तराधिकार का युद्ध होने लगा था। यानी कि ऑस्ट्रिया में राजा कौन होगा इसको लेकर कई देश आपस में ही युद्ध कर रहे थे, क्योंकि उस समय ऑस्ट्रिया एक यूरोप का प्रमुख देश होता था, वहां का राजा बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। और आप ये देखेंगे जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इस चीज का महत्व आप और विस्तार हम लोग वहां पर बात करेंगे। लेकिन अभी ये समझ लीजिए कि यूरोप में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध चल रहा था, जिसकी वजह से ब्रिटेन और फ्रेंच आमने सामने थे। तो यूरोप में तो थे ही, तो अब उसकी आज भारत में पड़ना स्वाभाविक है। आप देख रहे हैं, चाहे पुर्तगाली अंग्रेज संघर्ष हो चाहे डच अंग्रेज संघर्ष हो, अगर यूरोप में संघर्ष हो रहा है तो समझ लीजिए उनके जो अन्य उपनिवेश है या अन्य सेटलमेंट्स है वहां पर भी संघर्ष होता था। तो ऐसा ही हुआ ये कि जब ये संघर्ष चल रहा था तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि हिंद महासागर में खड़े एक फ्रेंच जहाज को डुबो दिया। अब तो ये बात तो गलत हुई ना, और उस समय कौन था गवर्नर, डुप्ले। और डुप्ले भाई आदमी तो ऐसा था ना, जिस तरह ट्रंप की पत्नी कह सकती है कि इफ यू गो लो देन माय हस्बैंड गो लोअर, इसी तरह डुप्ले की पत्नी भी ये कह सकती थी। यानी कि समझने की बात यह है कि डुप्ले इस तरह का आदमी नहीं था कि आप ने एक गलती की तो उसे जाने देगा। और डुप्ले ने फिर वही किया, अंग्रेजों ने तो उसका केवल एक जहाज डुबाया था लेकिन डुप्ले ने सीधे फोर्ट सेंट जॉर्ज यानी मद्रास पर चढ़ाई कर दी और कब्जा कर लिया। तो अब अंग्रेज रोते हुए गए कर्नाटक जो क्षेत्र था, उस समय वहां का नवाब था अनवरुद्दीन, उसके पास रोते हुए गए कि महाराज महाराज देखिए आपके संरक्षण में हम अपना काम कर रहे थे मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज पर, देखिए फ्रांसीसी कंपनी ने आकर ये सब तहस नहस कर दिया। तो अनवरुद्दीन ने डुप्ले से संपर्क किया, उससे जानना चाहा कि आखिर माजरा क्या है। तो डुप्ले ने बड़ी कूटनीतिक से ये समझा दिया अनवरुद्दीन को कि महाराज ये जो मद्रास या जो फोर्ट सेंट जॉर्ज है ये तो हमने आपके लिए जीता है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए, ये तो हम आपको वापस ही कर देंगे। तो अनवरुद्दीन भी बड़ा खुश हुआ और उसने कुछ नहीं किया और फ्रांसीसियों का फोर्ट सेंट जॉर्ज पर कब्जा बने रहने दिया। अब फोर्ट सेंट जॉर्ज पर जब कब्जा हो गया तो अनवरुद्दीन ने इंतजार करना शुरू किया कि भाई वादा किया है तो मुझे अब ये मद्रास देगा ही। लेकिन मद्रास देने की तो बात छोड़िए, कुछ दिनों बाद अनवरुद्दीन के संदेश का जवाब भी डुप्ले ने देना छोड़ दिया। मतलब समझ रहे हैं ना कि अमेरिका का वादा किया है, अमरेली तक भी यात्रा नहीं करा रहे हैं। कुल मिलाकर अनवरुद्दीन को अब तक समझ में आ गया था कि भाई साहब स्कैम हो चुका है और बहुत बड़ा स्कैम मेरे साथ हो चुका है। और जब अनवरुद्दीन को इस बात का एहसास होता है कि उसके साथ धोखा हुआ है तो अनवरुद्दीन अपने पुत्र महफूज खान को भेजता है फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए। और महफूज खान अडियार के निकट सेंट थॉम नामक एक जगह थी जहां पर महफूज खान की सेना, जो
अनवरुद्दीन का प्रतिनिधित्व कर रही थी और डुप्ले का सेना नायक कैप्टन पैराडाइज के बीच में युद्ध होता है जिसमें कर्नाटक की सेना बुरी तरह हार जाती है। इसी युद्ध को बैटल ऑफ अडियार या बैटल ऑफ सेंट थॉम भी कहा जाता है और मुख्यतः इसी को आप कर्नाटक का प्रथम युद्ध भी कह सकते हैं। यानी कि समझिएगा कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध हो रहा है अगर थोड़ा स्पेसिफिक होकर बात करें तो ये कर्नाटक के नवाब और फ्रांसीसी शक्ति के बीच हो रहा है। हालांकि इस पूरे युद्ध के आगे और पीछे अंग्रेजों की महत्वपूर्ण भूमिका बनी रहती है और होता यही है कि जब अनवरुद्दीन की सेना को फ्रांसीसी हरा देते हैं तो ये और भी उत्साहित हो जाते हैं और अंग्रेजों का जो दूसरा प्रमुख पोर्ट था हमने बात की थी कुटालोर जिसे सेंट फोर्ट डेविड कहते हैं वहां पर भी जाकर फ्रांसीसी घेरा डाल देते हैं। तो अब बारी थी अंग्रेजों के प्रत्युत्तर देने की तो अंग्रेजों ने भी पौंडीचेरी यानी कि जो फ्रांसीसी पोर्ट था उस पर घेरा डाल दिया। दोनों अपनी जगह जगह घेरा डाल के खड़े रहते हैं, कई साल इसमें गुजर भी जाते हैं यानी कि लगभग 1.5-2 साल फ्रांसीसी घेरा डाल के रहते हैं फोर्ट सेंट डेविड पर लेकिन उस पर अधिकार नहीं कर पाते। उसी दौरान ये सारी कश्मकश चल रही थी उसी दौरान होता क्या है कि 1748 में यूरोप में अंग्रेजों फ्रांसीसियों के बीच समझौता हो जाता है जिसे एक्सला सापेल की संधि कहा जाता है और उसमें निर्णय ये लिया जाता है कि भारत में अंग्रेजों को मद्रास दे दिया जाए और क्यूबेक फ्रांस को दे दिया जाए। क्यूबेक और थोड़ा स्पेसिफिक होकर बात करें तो लुइसबर्ग एक जगह थी छोटी सी क्यूबेक में जिसे फ्रांसीसियों को देने की बात कही गई इस संधि के अंतर्गत। कुल मिलाकर दोनों के लिए विन विन सिचुएशन बन गई प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद। लेकिन एक बात और तय हो गई थी कि भारत में अब दो शक्तियां आमने सामने हैं और ये जो संघर्ष है ये दो प्रमुख देशों या दो प्रमुख यूरोपीय शक्तियों का ही नहीं रह गया था बल्कि उस समय के दो सर्वश्रेष्ठ सेनानायक फ्रांसीसियों की तरफ से डुप्ले और अंग्रेजों की तरफ से क्लाइव का भी ये संघर्ष बन गया था। आइए मित्रों हम द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में बात करते हैं। वस्तुतः ये जो कर्नाटक युद्ध था भारत में दो महान सेनापतियों यानी कि डुप्ले और क्लाइव के बीच की लड़ाई भी था लेकिन वस्तुतः ये हैदराबाद और कर्नाटक में जो उत्तराधिकार की लड़ाई हुई थी उससे संबंधित था और उसी बात का अवसर उठाकर जो उत्तराधिकार की लड़ाई चल रही थी उस अवसर का लाभ उठाकर अंग्रेज और फ्रांसीसी अपने अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाह रहे थे अपने अपने प्रभाव को बढ़ाना चाह रहे थे। वही द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कारण बनता है और इसकी शुरुआत कब होती है जो आसफ जाह की मृत्यु होती है 1748 में और उसकी मृत्यु के बाद जो फ्रांसीसी दखल देते हैं माना ही जाता है द्वितीय कर्नाटक युद्ध वहीं से शुरू हो रहा है। हमने पहले कर्नाटक युद्ध में देख लिया था कि कैसे अनवरुद्दीन फ्रांसीसियों से हारकर फ्रांसीसियों का दुश्मन हो जाता है और दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है। ऐसे में अंग्रेज और अनवरुद्दीन एक खेमे में आ जाते हैं। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड में चल के देखते हैं कि आखिर हैदराबाद और कर्नाटक का क्या संबंध था जिसकी वजह से इन दोनों के उत्तराधिकार युद्ध आपस में जुड़ जाते हैं। तो यूं समझ लीजिए कि 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो कई प्रमुख मुगल जो क्षेत्र थे मुगल प्रांत थे उन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया था जिनमें से एक प्रमुख प्रांत हैदराबाद था। का जो मुगल गवर्नर था आसफ जाह उसने 1724 में खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया मुगल सत्ता से और वहां का निजाम बन बैठा। और तो इसी हैदराबाद के क्षेत्र में कुछ सूबे पड़ते थे जिसमें से एक कर्नाटक का क्षेत्र भी आता था और वहां के नवाब की नियुक्ति हैदराबाद का निजाम करता था। तो ऐसे में आसफ जाह ने सबसे पहले सदातुल्ला खां प्रथम को कर्नाटक का नवाब बनाया। अब देख लेते हैं कि सदातुल्ला खां से लेकर अनवरुद्दीन तक गाड़ी कैसे पहुंचती है। तो हुआ ये कि सदातुल्ला खां के कोई बेटा नहीं था उसने अपने भतीजे दोस्त अली को गोद लिया। अब दोस्त अली का दामाद था चंदा साहब और बेटा था सफदर अली खान। ऐसे में दोस्त अली के मरने पर उसके बेटे सफदर अली खान को गद्दी पे बैठाया गया लेकिन सफदर अली खान की भी हत्या कर दी गई। तो उसके बाद उसके भी बेटे सदातुल्ला खान को गद्दी पे बैठाया गया जबकि सदातुल्ला खान बहुत छोटा था लेकिन फिर भी उसे बैठाया गया और अनवरुद्दीन को संरक्षक बनाया गया। अनवरुद्दीन मात्र संरक्षक था सदातुल्ला खान द्वितीय का। जो छोटा बच्चा था उसका नाम भी सदातुल्ला खान था लेकिन सदातुल्ला खान द्वितीय। अब होता यह है कि सदातुल्ला खान द्वितीय जो बालक था उसकी भी हत्या कर दी जाती है और ऐसे में उसका जो संरक्षक अनवरुद्दीन होता है वो कर्नाटक का शासक बन जाता है। और यह बात जो चंदा साहब थे कौन थे चंदा साहब दोस्त अली के जो दामाद थे उन्हें यह बात बहुत अखरती है और वह फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले से जाकर फरियाद करता है। उसने कहा देखिए आपके रहते अनीति फैल रही तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले का आओ बेटा हम तुम्हारी समस्याओं का समाधान करेंगे। अब कुल मिला के बात यह हुई कि ब्रिटिश और अनवरुद्दीन एक खेमे में हो जाते हैं फ्रांसीसी और चंदा साहब एक खेमे। ये जब द्वितीय कर्नाटक युद्ध को समझना उससे पहले यह समझ लीजिए कि खेमा कौन कौन सा है। तो अभी तक यहां तक पहुंचे कि ब्रिटिश और अनवरुद्दीन एक खेमे में और फ्रांसीसी और चंदा साहब दूसरे खेमे में। तभी एक घटना और हो जाती है वो घटना क्या होती है
हैदराबाद में आसफ जाह की मृत्यु, यानी कि हैदराबाद के निजाम की मृत्यु हो जाती है, तो वहां भी उत्तराधिकार के लिए युद्ध होने लगता है। किसके किसके बीच में? नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में। नासिर जंग आसफ जाह का बेटा था जबकि मुजफ्फर जंग उनका नाती था। आसफ जाह खुद चाहता था कि मुजफ्फर जंग यानी कि जो नाती था वही गद्दी पर बैठे, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद नासिर जंग ने मुजफ्फर जंग के खिलाफ बगावत कर दी और जाकर अनवरुद्दीन और अंग्रेजों के खेमे से जा मिला। अब समझ लिए, दो खेमे बन गए, अंग्रेज अनवरुद्दीन और नासिर जंग, और दूसरी तरफ कौन है? फ्रांसीसी चंदा साहब और मुजफ्फर जंग। इसे समझने के लिए थोड़ा आसान कर लीजिए, एक तरफ कौन है? गब्बर, सांबा व कालिया, और एक तरफ कौन है? ठाकुर, जय और वीरू। अब समझिए, अब होता यह है कि डुप्ले के पास रोता हुआ पहुंचा था, याद करिए, चंदा साहब। तो डुप्ले करता क्या है कि ये संयुक्त सेना लेके अनवरुद्दीन पर आक्रमण करने की ओर चल पड़ता आरकोट की तरफ। क्यों? क्योंकि कर्नाटक की राजधानी आरकोट थी, और जब अनवरुद्दीन को ये बात पता चलती तो वो भी आरकोट से कुछ बाहर निकलता है और एक जगह होती है अंबूर, वहां पे आकर लड़ाई होती है दो सेनाओं के बीच में 1748 में, जिसे बैटल ऑफ अंबूर कहा जाता है, और यहीं से माना यह जाता है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध की शुरुआत हो जाती है। और इस युद्ध में अनवरुद्दीन मारा जाता है और फ्रांसीसी चंदा साहब को कर्नाटक का नवाब बना देते हैं, और बदले में चंदा साहब पौंडीचेरी का एक बहुत बड़ा इलाका फ्रांसीसियों को देते हैं। अब अंग्रेज क्या करेंगे? अब अंग्रेज भी हरकत में आएंगे क्योंकि उनका एक आदमी मार दिया जाता है, क्योंकि अनवरुद्दीन तो अंग्रेजी खेमे में था ना। तो अंग्रेज ढूंढ के लाते अनवरुद्दीन के बेटे को। अनवरुद्दीन का बेटा था वल्लाह जाह, और ब्रिटिशर सब चाहेंगे कि वल्लाह जाह को बना दिया जाए नवाब कर्नाटक का, और इसके लिए वल्लाह जाह और ईस्ट इंडिया कंपनी मिलकर चंदा साहब से युद्ध करते हैं। लेकिन चंदा साहब की तरफ तो फ्रांसीसी सेना भी थी, तो ऐसे में जो अंग्रेजों और वल्लाह जाह की जो सेना थी वो फ्रांसीसियों और चंदा साहब से हार जाती है, और वल्लाह जाह जिंजी नामक किले में जाकर छुप जाता है। माना यह जाता था कि किला बड़ा ही सुरक्षित है, लेकिन डुप्ले ने एक अनोखी रणनीति बनाई और जिंजी के किले में घात लगाने की कोशिश की। तो वल्लाह जाह को बचाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी और नासिर जंग भी चले आएंगे, लेकिन इस पूरी घटना में डुप्ले करता क्या है कि नासिर जंग को मरवा देता है। देखिए, अब नासिर जंग कौन है? हैदराबाद का जो निजाम बनना चाह रहा है, ठीक है, तो नासिर जंग को ही मरवा देता है, और मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का निजाम घोषित करता है। यानी कि अब देखिए, फ्रांसीसी के दोनों व्यक्ति, चाहे वो चंदा साहब हो चाहे मुजफ्फर जंग, चंदा साहब कर्नाटक के नवाब बन जाते हैं, मुजफ्फर जंग बन जाता है हैदराबाद का निजाम। यानी कि इस समय फ्रांसीसी ताकत एकदम शबाब पर होती है, एकदम पीक पर होती है। अब होता यह है, कर्नाटक और हैदराबाद दोनों जगह फ्रेंच लोग बैठ जाते हैं, लेकिन इसी दौरान पता चलता है वल्लाह जहां तो कहीं गायब हो गया है। वो एक्चुअली वो जिंजी के किले से भागकर त्रिचनापल्ली में जा छुपा था, और वहां से बोलता है भाई मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। लेकिन डुप्ले भी बोला कि डुप्ले नाम है मेरा, ऐसे तो मैं जल्दी तो हार मानता ही नहीं हूं, तो ढूंढूंगा तो मैं जरूर। और ढूंढते ढूंढते डुप्ले और चंदा साहब की सेना सब पहुंच जाती है त्रिचनापल्ली के किले पर। अब वहीं पर एक और नवयुवक के ब्रिटिश अधिकारी की एंट्री होती है जिसका नाम होता है क्लाइव, और यहीं से क्लाइव को आप देखेंगे कि कैसे क्लाइव धीरे धीरे शीर्ष पर पहुंचता, उसकी शुरुआत यहीं से होती है। वो एक नवयुवक होता है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सुझाता है, सब बैठ के सोच रहे हैं क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की समय स्थिति अच्छी नहीं है फ्रांसीसियों के सामने, क्योंकि लगातार युद्ध हार रहे हैं और कर्नाटक और हैदराबाद दोनों सत्ता पर फ्रांसीसी समर्थक राजा बैठे थे। तो ऐसे में एक युवक उठता है और कहता है, लोगों को बताता है, राय देता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कि चंदा साहब और फ्रांसीसी सब त्रिचनापल्ली को घेरे हुए हैं, तो क्यों ना हम लोग सीधे आरकोट पे आक्रमण कर दें। और क्लाइव के नेतृत्व पे बहुत छोटी सी टुकड़ी आरकोट पर आक्रमण कर देती है, और यहां पर बाजी पलट जाती है जब आरकोट पे आक्रमण होता है, क्योंकि आरकोट पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आक्रमण करती है और उस पर अधिकार कर लेती है। जब चंदा साहब के पास ये खबर आती तो उनके तो हाथ पांव ही फूल जाते हैं और भागे भागे अपनी राजधानी की ओर भागना शुरू करते हैं। लेकिन होता क्या है? होता यह है कि तंजौर पहुंचते पहुंचते ही उनकी हत्या कर दी जाती है मराठाओं द्वारा, क्योंकि इनके भी बड़े ही दुश्मन थे। तो कुल मिलाकर चंदा साहब मारे जाते हैं और आरकोट पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो जाता है, यानी कि अब गेम से चंदा साहब आउट हो गए, और अंग्रेज अब वल्लाह जाह को बनाते हैं कर्नाटक का नवाब। लेकिन जब डुप्ले को ये बात पता चलती है क्लाइव के बारे में, तो डुप्ले को बड़ा आश्चर्य होता है और वो सोचता है कि आखिर हमसे बड़ा शैतान कौन है। और फिर फ्रांसीसी भी 1749 में आरकोट पे आक्रमण कर देते हैं, और आरकोट और हैदराबाद में ब्रिटिश और फ्रांसीसी कई छोटे छोटे युद्ध लड़ते हैं।
जिसमें फ्रांसीसियों की हार होने लगती। देखिए आप बाजी अब पलट गई है जब से आरकोट पर क्लाइव ने जीत अर्जित की है, लेकिन फिर भी डुप्ले हताश और निराश नहीं होता। डुप्ले लगातार युद्ध कर रहा होता, साथ ही वो कूटनीतिक स्तर पर भी काम कर रहा होता, मराठों और मैसूर को अपने साथ मिलाने में लगा हुआ होता। लेकिन तभी एक घटना घटती है, घटना ये घटती है कि डुप्ले को वापस बुला लिया जाता है और उसकी जगह पर गोडुयू करके एक अधिकारी होता है जिसे गवर्नर बना के फ्रांसीसी सेना भेजती है। तो गोडुयू की हालत गंगा जल के मंगनी राम की तरह थी, वो तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने कि साहब गलती हो गई, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। और अंततः होता यह है कि अंग्रेजों फ्रांसीसियों के बीच में संधि होती है जिसे पौंडीचेरी की संधि के रूप में जाना जाता है। इस तरह से द्वितीय कर्नाटक युद्ध आप खत्म मान सकते हैं, समाप्त होता हुआ मान सकते हैं, लेकिन इस युद्ध के बड़े ही दूरगामी परिणाम हुए क्योंकि पौंडीचेरी की संधि द्वारा अंग्रेजों ने वह सब कुछ प्राप्त कर लिया था जिसके लिए डुप्ले लगातार प्रयास कर रहा था। और इस युद्ध ने यह भी बता दिया था कि भविष्य में अब भारत पर शासन कौन करेगा, यानी कि फ्रांस अब काफी कमजोर हो चुका था और ये बात निश्चित हो गई थी लगभग कि अब प्रमुख शक्ति ब्रिटिश ही रहेंगे भारत में। अब चलते हैं तीसरे कर्नाटक युद्ध की तरफ। हुआ ये कि पुडुचेरी की संधि तो हो जाती है 1755 में, लेकिन 1756 में यूरोप में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध शुरुआत हो जाती है। और हमने पहले भी देखा था जब यूरोप में दो देश लड़ रहे होते तो उस युद्ध का प्रभाव जहां पे उनके उपनिवेश है वहां पर भी देखने को मिलता है, वहां पर भी शक्तियां लड़ने लगती हैं। हुआ भी ये कि यूरोप में जो सप्तवर्षीय युद्ध की शुरुआत हुई थी उसकी वजह से भारत में भी अंग्रेजों फ्रांसीसियों के बीच युद्ध का वातावरण उपस्थित हो चला था। और हमने देख लिया था कि सेकेंड जो कर्नाटक युद्ध था उसके बाद से अंग्रेज लगातार शक्तिशाली होते ही गए थे। और 1757 में अंग्रेज करते क्या हैं कि वो फ्रांसीसियों की जो महत्वपूर्ण बस्ती थी चंद्रनगर उस पर अधिकार कर लेते हैं और ये बंगाल क्षेत्र में आता था। देखिए इसके बड़े दूरगामी परिणाम थे जो अंग्रेज चंद्रनगर पर अधिकार करते हैं। वस्तुतः ये अली नगर की संधि का उल्लंघन जिसने प्लासी युद्ध की पृष्ठभूमि बनाई थी, लेकिन वो बात अलग से। लेकिन यहां पर समझ लीजिए कि चंद्रनगर पे जब अधिकार कर लेते हैं उसी समय फ्रांसीसी सरकार ने काउंट डी लाली को भारत भेजा कि जाके अंग्रेजों के वर्चस्व को थोड़ा कम करे। और लाली एक बेहतरीन सेनानायक था। और लाली करता क्या है कि जब चंद्रनगर पर कब्जा कर लेते हैं ब्रिटिशर्स तो वो फोर्ट सेंट जॉर्ज, याद करिए कुडलूर जिसे कहा जाता था जहां पर अंग्रेजों की बस्ती थी, उस पर घेरा डाल लेता है और उस पर कब्जा भी कर लेता है। लेकिन लाली की महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है और फिर वो तंजावुर पर भी घेरा डाल लेता है, लेकिन वहां घेरा डाल के वो तंजावुर को जीत नहीं पाता है। तब तक होता यह है कि अंग्रेज बंगाल से अपनी एक सैनिक टुकड़ी तंजावुर की ओर भेजते हैं जिसकी वजह से लाली को वहां से अपना घेरा उठाना पड़ता है। यानी कि तंजावुर से लाली खाली हाथ लौटता, लेकिन लाली भी एक महत्वाकांक्षी सेनापति था तो तंजावुर से लौटते वक्त वो मद्रास पर घेरा डाल लेता। आपको पता होगा फोर्ट सेंट जॉर्ज है जहां पर अंग्रेजों का वहां पे फोर्ट था, वहां पर घेरा डाल लेता है। मद्रास के घेरे के एक वर्ष तक अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच में छोटी मोटी झड़पें होती रहती हैं जिसमें बार बार फ्रांसीसी हारते जाते हैं। और 1760 में मद्रास तथा पौंडीचेरी के बीच में वंडीवास नामक स्थान में अंग्रेजी सेना फ्रांसीसियों को बुरी तरह पराजित करती है। और जो उसका फ्रांसीसी सेनापति था बुस्सी, क्योंकि हुआ ये था कि जब लाली ने मद्रास को घेरा था तो अपनी सहायता के लिए हैदराबाद का गवर्नर जो था फ्रांसीसी बुस्सी को अपने सहयोग के लिए बुला लिया था, तो उसी बुस्सी को हरा दिया जाता है वंडीवास के युद्ध में। और भारत में लगभग फ्रांसीसियों का अंत हो जाता है क्योंकि जो फ्रांसीसियों के सारे महत्वपूर्ण इलाके थे अब तक अंग्रेजों के हाथ में आ गए होते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि वंडीवास के युद्ध में लगभग फ्रांसीसी शक्ति खत्म हो जाती है। इसी समय होता क्या है, 1763 में यूरोप में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में संधि हो जाती है। और इस संधि में यह भी बात नियत रहती है कि अब फ्रांसीसी भारत में अपनी ज्यादा गतिविधि नहीं करेंगे और उन्हें माहे पौंडीचेरी कराईकल और चंद्रनगर जैसे इलाकों में सीमित करके रख दिया गया था। और याद करिए ये 1954 तक जब तक फ्रांसीसी भारत से नहीं जाते हैं तब तक ये इन्हीं इलाकों में रहते हैं। यानी कि 1763 में जो पेरिस की संधि हुई उसके बाद से आप ये मान सकते हैं कि तृतीय कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो गया। और इस संधि के माध्यम से भारत में फ्रांसीसियों के कब्जे वाले जो क्षेत्र थे उन्हें संरक्षित क्षेत्र का दर्जा दे दिया गया। जो हमने बात की माहे पौंडीचेरी कराईकल चंद्रनगर, और देखिएगा जो माहे पौंडीचेरी कराईकल है यही आज भी पुडुचेरी के जिले हैं और यहाँ पर फ्रांसीसी 1954 तक रहते हैं, यानी कि ब्रिटिशर्स जब भारत छोड़कर चले गए उसके बाद तक रहते हैं। इसीलिए जब क्रम पूछा जाए कि कौन सी यूरोपीय शक्ति पहले गई या बाद में गई तो ध्यान रखिएगा
1947 में ब्रिटिशर्स जाते हैं, 1954 में फ्रांसीसी जाते हैं और 1961 में पुर्तगाली जाते हैं, जबकि पुर्तगाली आते सबसे पहले। तो पेरिस समझौता में पहली बात की गई थी कि फ्रांसीसियों के कब्जे वाले क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र का दर्जा दिया गया, फ्रांसीसियों के किले निर्माण पर रोक लगा दी गई, सेना रखने पर रोक लगा दी गई और केवल कुछ क्षेत्रों तक सीमित कर दिया गया। इस तरह तृतीय कर्नाटक युद्ध में ये बात पूर्णतः स्थापित हो गई कि भारत में अब सिर्फ एक ही शक्ति है और वह है अंग्रेज। क्योंकि उससे पहले ध्यान दीजिए प्लासी का युद्ध भी हो चुका होता और लगभग अंग्रेज सबसे बड़ी शक्ति के रूप में भारत में स्थापित हो चुके होते हैं। हालांकि बक्सर का युद्ध इसके बाद होता है, लेकिन फिर भी ये आप मान सकते हैं कि कर्नाटक के तीसरे युद्ध तक आते आते अंग्रेज सबसे बड़ी शक्ति पूरे भारतवर्ष में बन जाते हैं। क्योंकि ध्यान से और देखिएगा 1761 में ही मराठे पानीपत का तीसरा युद्ध होता है और मराठे वहां कमजोर हो चुके होते हैं। तो इसलिए ये बात अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर हम ये कहें कि तीसरा कर्नाटक युद्ध था, इसने भारत के भविष्य का भी निर्धारण अब तक कर दिया था। हमने लगभग सभी यूरोपीय शक्तियों के संघर्ष को पढ़ लिया और हमने ये देख लिया कि अंग्रेज ही भारत में अंततः सर्वोच्च यूरोपीय शक्ति के रूप में रहते हैं। तो हम यह भी समझ लेते हैं कि आखिर अंग्रेज भारत में सफल क्यों रहे। तो पहला कारण तो समझ लीजिए, जो व्यापारिक कंपनी थी अंग्रेजों की यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी जो संरचना थी वो बाकी अन्य कंपनियों से बेहतर थी। क्योंकि ये जो कंपनी बनी थी वो इंग्लैंड की विभिन्न प्रतिस्पर्धी कंपनियों से मिलकर बनी थी, यानी चेक एंड बैलेंस की वहां सुविधा थी। दूसरा, कंपनी पर शेयर धारकों का अत्यधिक प्रभाव था क्योंकि सबके पास शेयर थे, जबकि फ्रांसीसी कंपनी में आप देखेंगे कि राजा के पास ही 60% से अधिक शेयर होते थे। ऐसे में अन्य शेयर धारकों के पास बहुत ज्यादा, उनके जब स्वार्थ नहीं होते थे तो वो इस कंपनी के विकास को लेके बहुत ज्यादा गंभीर भी नहीं रहते थे। पहला कारण हमने देखा कि व्यापारिक कंपनियों की संरचना बेहतर थी, अंग्रेजों की कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की संरचना बेहतर थी अन्य यूरोपीय शक्तियों से। दूसरी, नौसैन्य सर्वोच्चता। ब्रिटिश नौसैनिक दुनिया भर में मानी जाती थी और ये नौसैन्य का जो सर्वोच्चता थी वो भारत में भी ब्रिटिशर्स की सफलता में काम आया। याद करिए, जब नौसेना पुर्तगालियों की मजबूत थी तो पुर्तगाली भारत में महत्वपूर्ण शक्ति थे और वही नौसेना जब अंग्रेजों ने अपनी मजबूत करके दिखाई तो अंग्रेज महत्वपूर्ण शक्ति बने। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण था वो ये था कि औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति से होता ये था कि एक तो अंग्रेज व्यापार तो कर ही रहे होते थे लेकिन अपने यहां बिकने वाले माल के लिए भी वो व्यापार को और प्रोत्साहित करते थे। तो ऐसे में जो औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में हो रही थी उसकी वजह से पूंजी की अधिकता भी थी ब्रिटिश कंपनी के पास, साथ ही उसके पास और भी महत्वपूर्ण कारण थे भारत को अपना उपनिवेश बना रखने के पीछे। तीसरा, अगर हम कारण की बात करें कि अंग्रेज क्यों सफल रहे, तो सैन्य कौशल और अनुशासन। इसमें तो कोई शक नहीं है कि अंग्रेजों का सैन्य कौशल बाकी कंपनियों से बहुत अच्छा था। केवल एकमात्र अगर हम बात करें, एक हम एक्सेप्शन की बात करें, डुप्ले जो फ्रांसीसी सेना नायक था वो अंग्रेजों के सैन्य कौशल के बराबर था, लेकिन फ्रांस की सरकार उसे वापस बीच में बुला लेती और यहां से आपने देखा भी था द्वितीय कर्नाटक युद्ध में कि उसके जाने के बाद ही कैसे फ्रांसीसी लगातार हारने लगते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण था, स्थायी सरकार। हुआ ये कि जो 1688 में गौरवमयी क्रांति हुई थी ब्रिटेन में, उसके बाद से वहां पे स्थायी सरकार बनने लगी थी, जबकि फ्रांस जैसे देशों में लगातार क्रांतियों का दौर चल रहा था और अस्थायी सरकार होती थी। तो जब देश में ही समस्या है तो बाहर वो अपने उपनिवेश को कैसे स्थिर रख सकते हैं, ये बात आप समझ ही सकते हैं। अगली जो महत्वपूर्ण विशेषता थी अंग्रेजों की जिसकी वजह से वो भारत में सफल हुए, वो ये था कि धर्म के प्रति उनका न्यून उत्साह था। क्योंकि भारत में जैसे ही आप धर्म को लेके बहुत उत्सुक होते हैं या कन्वर्जन पर ध्यान देते हैं, वैसे ही आप वहां के राजाओं और वहां की जनता के आंख में खटकने लगते हैं। तो आपने देखा कि पुर्तगाली तो आते ही कन्वर्जन और ईसाई मत के प्रचार में लग जाते, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा बहुत बाद में किया। यानी धर्म के प्रति न्यून उत्साह भी एक कारण था कि अंग्रेज भारत में सफल रहे। अंतिम महत्वपूर्ण कारण ये था कि ऋण बाजार का उपयोग किया अंग्रेजों ने खूब, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के समय अंग्रेजों के यहां यानी कि इंग्लैंड में बैंकिंग व्यवस्था और ऋण बाजार बहुत बेहतर तरीके से फल फूल रहा था। तो ऐसे में कंपनी जरूरत पड़ने पर उन ऋण बाजार का प्रयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेती थी, जबकि अन्य विदेशी कंपनियों को ये सुविधा नहीं थी। यही सब कारण थे कि अंग्रेज भारत में अत्यधिक सफल रहे, जैसा कि अन्य यूरोपीय कंपनियां नहीं रही। आशा करता हूं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ने का प्रयास करें ताकि ज्ञान की धारा रुकने ना पाए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए। जय हिंद।